तो गाइज मेरे पास है इंग्लिश का फाइनल पेपर 10th क्लास का, जो कि आपका 6 मार्च 2023 को होने वाला है। और दोस्तों सबसे पहले मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल देता हूँ, जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है जिससे आपको हेल्प हो सके और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सको, आप अपने अच्छे से मार्क्स ला सको, यानी कि बहुत आपको हेल्प मिलती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास ये इंग्लिश का पेपर है, सेट सी है। और दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों कोई भी अपडेट होता है, कोई भी PDF होती है पेपर की, मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो थोड़ा लेट आता है लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मैं जल्दी डाल देता हूँ, तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल आराम से वॉच करना। काफ़ी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको पेड PDF मिलेगी, यानी आपको PDF लेने के लिए या फिर पेपर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन आपसे कुछ पैसे लेते हैं, 199 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 900 रुपये, जो भी उनकी कॉस्ट है। बट मैं अपने चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी वीडियो देता हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा ज़्यादा हेल्प हो सके और आप अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलो अब वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको पेपर में बताने वाला हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं, जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सको। तो दोस्तों देखिए, ये इंग्लिश का पेपर है जो कि आपका 80 नंबर का आएगा, लेकिन आपका जो समय होगा वो यहाँ पर 3 घंटे दिया गया है। पिछले साल 2.5 घंटे का था, लेकिन इसमें ऑप्शन टाइप ज़्यादा थे, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे। आपको छोटे क्वेश्चन 20 से 30 नंबर के आएंगे और बड़े क्वेश्चन बाकी 40 से 50 जो नंबर 50 नंबर का होगा वो आपका बड़े बड़े क्वेश्चन का होगा। एक लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हिंदी के पेपर की वीडियो बनाकर दी थी, यानी कि आपका पेपर था 5-6 दिन पहले, और ये देखिए लेटेस्ट पेपर है जहाँ पर आप देख सकते हैं एनुअल, यानी कि ये आपका हुआ था 28 फरवरी को पेपर 2023 को, और मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये पिछले साल का पेपर था, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, समास वगैरह, संधि, काफ़ी अलंकार, ये सब बताए थे। लेकिन आपको मैंने इसमें जो बड़े बड़े क्वेश्चन वो भी बताए, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है, मैंने बताया था कि एक आपके पास जीवन परिचय आएगा स्वयं प्रकाश का या फिर यशपाल का, लेकिन स्वयं प्रकाश का आया हुआ है सेट बी में। तो ये देखिए, ये भी सेट बी है और ये भी सेट बी है, तो सेट सेम है, और देख लीजिए आपके साथ विद प्रूफ के साथ, तो यहाँ पर भी स्वयंपाल का जीवन परिचय आया हुआ है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेरी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए स्वयं प्रकाश यहाँ भी लिखा हुआ है, जो कि जीवन परिचय आया 4 नंबर का, और पिछले साल जो आया था वो आया था 5 नंबर का। ये देखिए स्वयं प्रकाश का, यशपाल का, स्वयं प्रकाश का, लेकिन इसके अंदर स्वयं प्रकाश का आया हुआ है, ये 3 दर का आया हुआ है, लेकिन अथवा के अंदर आपको कोई सा एक करना था। तो ये तो हुआ प्रूफ आप सभी को समझाने के लिए कि क्वेश्चन आते हैं मिलते जुलते। अब मेरे पास सेट सी है, तो देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। आपके पास एप्लीकेशन आएगी, जो भी एप्लीकेशन दी होगी उसके हिसाब से आपको दोनों में से एक करनी है, राइट। उसके बाद आपके पास आएगा, आपको बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, इनमें से आपको कोई एक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया, तो आप पढ़ के जाइएगा, ये लेसन के नाम लिखे हुए हैं कि किस लेसन में से आया है, जैसे कि अविल ऑफ चीटिंग, इसमें से आई बार क्वेश्चन आता है, और दी थ्रस्टी कराओ, इसके अंदर दोनों में से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं आए साल। उसके बाद सेक्शन बी, बी सेक्शन में आपका 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ए लेटर टू गॉड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, काफ़ी बार आता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और स्टूडेंट के पास अगर उसको याद है तो बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 अटेंड करने हैं, लेसन का नाम लिखा हो लास्ट में, किस लेसन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पोएट्री यहाँ पर चल जाती है, पोएट्री में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे, इसलिए अभी आप सभी पोएट्री याद करके जाना। इस वीडियो से आपको अंदाजा हो सकता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, जो कि आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन ही अटेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से आपको कोई 2 करने। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर में से आएगा, सप्लीमेंट्री रीडर में से आपका फिर 5-5 या फिर 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आप याद करके जरूर जाना। उसके बाद देखिए, फिर आपका 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 5 में से, यानी कि आपका 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका पोएट्री में से आया, भोली में से आया है, और यानी कि आप देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। उसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। आपके पास देखिए पैसेज आएंगे इस तरह से, आपको ये 2-3 बार रीड करना है। सबसे पहले पैसेज को 2-3 बार याद नहीं करना, उन्हें रीड करना है, ऐसे पढ़ना है,
इंग्लिश स्पीकिंग पीपल दैट इज़ वन वन द होल एन एडवांटेज ऑन द अदर हैंड। इस तरह आपको दो दिन पर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन देने दिया होगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से इसका सही आंसर क्या है। तो इनमें से अगर आपने तीन चार बार पढ़ा होगा तो आप फटाफट से आंसर पर निशाने लगा सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपके पास पैसेज आया तो पिछले साल ये ऑप्शन आए थे, अब की बार शायद ये क्वेश्चन होगा, आपको पैसेज के अंदर से ढूंढ कर आंसर लिखना होगा। ऑप्शन भी आ सकते हैं, 50-50 चांस है। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता रहा हूँ, कभी आप बोलो कि सर ने हमें बताया था कि ऑप्शन टाइप आएंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ को सेकंड पैराग्राफ को इस तरह से दोबारा आपका पैराग्राफ आ गया, इसको दो बार तीन बार आप रीड करना ध्यान से और उसके बाद फिर आप इनका क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये आपका 10 नंबर का होगा, दो पैसेज आएंगे। उसके बाद आपकी चल जाती है ग्रामर, जो कि बिल्कुल आसान है। ग्रामर में क्या होगा देखिए, यहाँ पर इस तरह की ग्रामर दी होगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, आपको 15 अटेंड करने एक एक नंबर के। यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर दिया गया था आपको, पिछले साल दिया गया था यहाँ पर आपको ऑप्शन टाइप, क्या पता आपकी बार आपको ब्रैकेट में ये दे दिया जाए और सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। ही ऑलवेज यहाँ पर डैश डैश स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज यानी कि थर्ड पर्सन है ये, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होता है तो उसके साथ ऐसा लगता है या फिर ई ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता, वो आपको यहाँ पर देखना है। तो स्पीक का यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्पीक्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर ग्रामर चल रही है, उसके बाद फिर नरेशन आएगी। नरेशन में देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पिछली बार जैसे कि ऑप्शन टाइप आए थे तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर अब की बार नहीं आए तो आपको सीधा क्वेश्चन दिया दिया जाएगा तो आपको इसको तोड़ना है, जैसे कि ही सेड है ना, तो यहाँ पर जैसे कि ही सेड ही टोल्ड या फिर ही सेड कोमा हटाने के लिए दैट मोहन राइट्स ए लेटर, तो इस तरह से आपको बनाकर लिखना होगा। तो इस तरह से आपके पास नरेशन आएगी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं और यहाँ पर भी। उसके बाद आएगा आपके पास आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर जैसे ओल्ड मैन डैश डैश दे दिया जाएगा, ओल्ड मैन हैड सेवन सन, तो यहाँ पर दा भी आ सकता है और ए भी आ सकता है। ओल्ड मैन अगर आप उसे जानते हो तो यहाँ पर दा आएगा। उसके बाद इस तरह से आपके पास आर्टिकल आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास मोडाल्स आएंगे, मोडाल्स के अंदर ये ऑप्शन भी आ सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं आ सकते, ब्रैकेट में आपको दे दिया जाएगा मे कैन वी क्या आएगा, उसके हिसाब से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। पहले आप मोडाल्स की हिंदी बनाइएगा कि इसकी हिंदी क्या है, उसके बाद आप इसे फिल करना। तो ये यहाँ पर आपके मोडाल्स चल रहे हैं जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके मोडाल्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जरंड आ गया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जरंड भी आपके पास पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ गया है फिर उसके बाद पंचुएटेड, तो पंचुएटेड में क्या है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऑप्शन टाइप नहीं आए तो इसमें आपको स्मॉल लेटर में आपको सेंटेंस दिया होगा, जैसे कि आपको पता है पहला अक्षर बड़ा होता है वर्ड, तो यहाँ पर एच बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है तो काइंड ब्रेव का ये रह जाएगा और इस तरह से आपका आ जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद ये नरेशन आपके तीन आगे बहुत आसान होती है, आपको सिर्फ अक्षर बड़े करने हैं, वर्ड बड़े करने हैं और यहाँ पर लिख देना है। तो आपके यानी कि 25-30 क्वेश्चन जो होंगे आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे यानी एक एक नंबर वाले। उसके बाद फिर आपके पास पैसेज आएगा, ये आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको फिर इनका आंसर देना है। क्वेश्चन का चैप्टर का नाम पूछ लिया, ऑथर का यानी लेखक का नाम पूछ लिया, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर बी आएगा आपका आ जाएगा, बी के अंदर आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है पैसेज को। उसके बाद आपको इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, तो केयरफुली आपको इनका आंसर करना है ताकि आपके बड़ा बड़ा नंबर आ सके। यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन आपके आएंगे अगर आप पढ़ाई करते हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की तो आप इस पेपर के हिसाब से आप पढ़ाई करना ताकि दोस्तों आपके अच्छे नंबर आ सके। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी यहाँ पर आपको पैसेज मिला है, इसको पढ़कर आपको यहाँ पर इसके आंसर देने, यानी आपके पास पैसेज काफ़ी ज़्यादा आएंगे। ये लास्ट पेज है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया। दोस्तों काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस पेपर के रिगार्डिंग ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।
तो गाइज ये पिछले साल का पेपर है जैसे मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, और इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके 40-50% पेपर जो मैं क्वेश्चन आएंगे वो इसी पेपर में से आएंगे मिलते जुलते, जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और एक्स्ट्रा एडवांस भी आप पढ़ाई करके जाना ताकि आपके 80 में से 70 या फिर 75 नंबर बड़े आराम से आ सकें। और दोस्तों आपको मैंने बताया है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।